एवरीवन, मैं सब डॉक्टर मेघा, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर मेघा हेल्थ टिप्स एंड केयर पर। दोस्तों, अक्सर लोगों के सवाल होते हैं, वो मुझसे ये बात पूछते हैं कि मैम, हम ब्रेस्ट फीडिंग तो कराने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारे ब्रेस्ट से मिल्क उतना अच्छे से नहीं आ पाता, हमारा बेबी पूरी तरीके से पेट भर के मिल्क नहीं पी पाता है, तो इसके क्या कारण होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। ऐसा होता है कि हम बेबी को जितनी ज़्यादा फीडिंग कराते हैं, हमारे ब्रेन से उतने ज़्यादा सिग्नल्स आते हैं और फिर हमारे उतने हॉर्मोन्स जनरेट होते हैं और फिर हम बेबी को अच्छे से फीड करा पाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, बेबी को टाइम टू टाइम फीड कराना है। आप हमेशा कोशिश करिए कि पूरे 24 घंटे में कम से कम 8 से 16 बार अपने बच्चे को दूध ज़रूर पिलाएं। मॉर्निंग आवर्स में भी पूरा कम्प्लीटली अच्छे से बच्चे को फीड करें। हर 2-2 घंटों के गैप में आप बच्चे को अच्छे से फीड करें। और हमेशा एक बात का ध्यान रहें, एक साइड का मिल्क ब्रेस्ट से पूरा एम्प्टी हो जाए उसके बाद ही दूसरे ब्रेस्ट की तरफ कोशिश करें कि दूसरा ब्रेस्ट फीड करें। और आपके बच्चे को आप जितना ज़्यादा अच्छे पोजीशन देंगे, जितना अच्छा गुड अटैचमेंट प्रोवाइड करेंगे, उतना ज़्यादा आपका मिल्क सिक्रेट अच्छे से होगा। अब ध्यान रखना है कि आपका जो डाइट है वो भी पूरा प्रॉपर हो, तो आप हमेशा एक बैलेंस डाइट लेने की कोशिश करें जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ओट्स, प्रोटीन्स, एग्स, ये सब कुछ होना चाहिए। अगर आप अच्छे से बैलेंस डाइट लेंगे तो ये आपके बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आप खुद भी मिल्क का सेवन ज़रूर करें। इसके अलावा आपका ध्यान रखना है कि आपकी पोजीशनिंग, आपके अटैचमेंट्स कैसे हैं। उससे क्या होता है कि आपका बच्चा एक कंफर्टेबल पूरा जब रहता है तो वो अच्छे से दूध पीता है, और जब वो ज़्यादा मिल्क पीता है तभी आपके ब्रेन तक और सिग्नल्स जाते हैं अच्छे से और ज़्यादा मिल्क जनरेट होने के, तो फिर आप अच्छे से बेबी को फीड कर पाएंगे। जब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग करें तो आप हमेशा ऐसा भी कर सकते हैं कि बीच बीच में आप अपने ब्रेस्ट को थोड़ा प्रेस भी कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके ब्रेस्ट से मिल्क इजीली बाहर आएगा। ब्रेस्ट फीडिंग के सही तरीके क्या है, उसके साइंस ऑफ गुड अटैचमेंट क्या है, इसके लिए एक ऑलरेडी वीडियो जनरेट किया हुआ है, आप वीडियो के एंड स्क्रीन पर उसको टच करके देख सकते हैं। ये थी कुछ छोटी छोटी टिप्स जिससे आप अपने ब्रेस्ट से जो सप्लाई है मिल्क का वो बढ़ा सकते हैं और अपने बच्चे को अच्छे से फीड करा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, नमस्कार।